खबर शिवपुरी से है, जहां नगर पालिका के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाया जाएगा। लेकिन ये बातें करने में ही ठीक लगती हैं, जब धरातल पर देखा जाए तो साफ सफाई का यहां पर नाम नहीं है। ऐसा ही मामला शिवपुरी के वार्ड नंबर 8 सिटी सेंटर कॉलोनी में देखने को मिला, जहां पर नियमित साफ सफाई नहीं हो रही है और एक पुलिया की कुछ दिनों पहले सफाई की तो उसके मलबे को भी पुलिया पर ही रख दिया है, जहां आज दिनांक तक उसकी साफ सफाई नहीं हुई है। वहीं समस्याओं के बारे में पार्षद प्रदीप शर्मा से बात की गई तो केवल सफाई का झूठा आश्वासन उन्होंने दिया। क्या नाम है अंकल? राजेश नाम मेरा। वार्ड कौन सा है? 8। क्या कुछ समस्या है आपको वार्ड में? इसमें साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई आता इसमें। सबसे दिसंबर से नहीं आए, मान चलो दिसंबर से। हाँ, आपने इसकी समस्या के बारे में आपने अपने वार्ड पार्षद से कहा? हाँ कहा है, वार्ड पार्षद से कहा है। और नगर पालिका में क्या क्या है? फिर क्या हुआ? वो सुनवाई नहीं, बोले कि 2-4 दिन भेज देंगे, अभी कर्मचारी है नहीं फ्री, वही बोला उन्होंने। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर लगातार काम हो रहा है और क्या धरातल पे ये नहीं दिख रहा? धरातल पे नहीं दिख रहा। और क्या समस्या है आपको? ये खम्भों में जैसे लाइट नहीं जल रही है, 2-3 खम्भे यहाँ अंधेरा डला रहता है, चक्कर ये पासवानों को भी कार्यकाल काफी समय हो गया है। हाँ, देखने को मिला नया? अभी कुछ नहीं है। क्या नाम भैया आपको? मेरा नाम अंकित त्रिवेदी है जी। क्या एड्रेस है? मैं शिवपुरी जिले के सिटी सेंटर कॉलोनी में रहता हूँ, जो वार्ड नंबर 8 के अंदर आता है। क्या कुछ समस्या है आपको इस वार्ड में? समस्या के लिए अभी हम देखे, जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और अभी दिसंबर तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते थे, पर दिसंबर मतलब में मान लीजिए दिसंबर के बाद से यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। 2023 में जनवरी लग चुका है और अभी तक इस महीने हमने एक बार भी नहीं देखा कि कोई सफाई कर्मचारी आया और सफाई हुई। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उस समय में हमें और ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का। बट आप देख लीजिए, नालियां वैसे ही पड़ी हुई हैं, ठीक है, और सुबह जो झाड़ू लगाने वाला था वो भी नहीं आ रहा है, तो सफाई की काफी समस्या भी हम फेस कर रहे हैं। आपने इसकी शिकायत अपने वार्ड पार्षद से की? जी, उनको फोन पे एक दो बार हम लोगों ने कहा है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि उन्होंने बोला है कि वो आएंगे जो सफाई कर्मचारी है, बट उसके बाद क्या हुआ इसकी मुझे कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि सफाई कर्मचारी से उनकी बात हुई या फिर वो उनके इन्फॉर्म करने के बाद भी आया या नहीं आया। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ पे सफाई कर्मचारी है। अभी क्या है, देखिए ठंड बहुत है, घर की भी सफाई रहती है, उसके बाद यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बाहर आके अपने दरवाजे के सामने तो झाड़ू लगाने ही है सबको, तो वो लगाती है, बट अगर सफाई कर्मचारी आएगा तो रोड पे और ये जो नालियां है ये सब साफ रहेंगी, सबकी मदद होगी, एक सफाई बनी रहेगी।